उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। दूसरी बात सच है कि गलतियों से ही इंसान सीखता है, ये बात हमेशा कही जाती है और इन बातों में सच्चाई भी है। लेकिन कई बार गलतियां इतनी बड़ी हो जाती हैं कि उसके आगे संभलना बिल गेट्स के बस की भी बात नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको दुनिया की कुछ ऐसी ही सबसे बड़ी गलतियों के बारे में बताने वाले हैं, जिसको सुनने के बाद आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि ये गलती फाइनेंशियली किसी को कितना नुकसान पहुंचा सकती है। आप यकीन मानिए, आज जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ना, वो आपने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया एपिसोड। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारी वीडियो को एंड तक देखिएगा, ठीक है? और हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। आइए स्टार्ट करते हैं। नंबर वन, बिटकॉइन। दोस्तों आप इंटरनेट यूज करते ही होंगे। अगर आप इंटरनेट यूज करते हैं तो आपको इस बात की जानकारी होगी आजकल बिटकॉइन ऑनलाइन की क्या कीमत है। दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आईटी कंपनी में काम करने वाले जेम्स ने साल 2009 में 75,000 के बिटकॉइंस खरीदे थे। उस वक्त बिटकॉइन की कीमत कुछ भी नहीं थी। एक शख्स ने अपने बिटकॉइन की जमा की हुई दस्तावेजों वाली ड्राइव को काफी संभाल कर रखा हुआ था, लेकिन उसने गलती से वो ड्राइव कहीं पर खो दी। वहीं साल 2013 में जेम्स के द्वारा खरीदे गए 3,500 बिटकॉइन की कीमत $7.5 मिलियन हो गए, यानी कि भारतीय रुपए में 50 करोड़ रुपए। क्या यकीन कर सकते हैं? उन्होंने किसी कूड़े के ढेर में अपनी हार्ड डिस्क को फेंक दिया था। अब जब उन्हें ये बात पता चली, ये नुकसान बहुत महंगा साबित हो सकता है, क्योंकि बिटकॉइन का जो रेट है वो बहुत बढ़ गया है। ऐसे में दोस्तों उन्होंने अपने हार्ड डिस्क को ढूंढना शुरू कर दिया। जी हाँ, कहा जाता है उन्होंने कुछ मेहनत की, क्योंकि मामला फ्रॉम नोवेयर टू 50 करोड़ का हो गया था, बल्कि उससे भी ज्यादा का था। जिंदगी में हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं। जी हाँ, यहाँ भी वही हुआ, सब कुछ देख लिया गया। इनफैक्ट शहर के एक एक कूड़े के ढेर को चेक कर लिया गया। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इनकी खुद मदद की, लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, एक बार जब हाथ से चीजें निकल जाती हैं तो उसको दोबारा ढूंढना मुश्किल हो जाता है, और वही चीज यहाँ भी देखने को मिली। इन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन कुछ नहीं मिला, और अंत में इन्हें हार माननी पड़ी। इन्हें समझ में आ गया अब इनके बस की बात नहीं है अपने बिटकॉइन वाले हार्ड डिस्क को खोजना। वो कहते हैं ना, जब आपको जो चीज नहीं मिलने वाली होती है, आप चाहे जितनी मर्जी हाथ पर चला लीजिए, आपको कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ भी कुछ ऐसी ही कहानी थी। आप खुद ही समझ गए होंगे दोस्तों क्या बीती होगी इनके ऊपर। नंबर टू, भैया मैं आपको दिखाता हूँ एक ऐसी मिस्टेक के बारे में जिसमें कहा जाता है कि $240 मिलियन का नुकसान उठाना पड़ गया था। जी हाँ, इतिहास के पन्नों में सबसे बड़े नुकसानों में से ये एक है। ये घटना कुछ समय पहले हुई। आपको बता दूं, अक्टूबर 2011 में न्यूजीलैंड के समंदर में ग्रीस के एक शिप का हुआ भयानक एक्सीडेंट, जिसकी वजह से $240 मिलियन का नुकसान उठाना पड़ गया। दोस्तों आपको हम इस घटना के बारे में बताते हैं, आपको भी समझ में आ गया होगा कई बार कैसे बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग बेवकूफी कर देते हैं। दरअसल बात यह हुई कि माउंट मोंगनई के तटीय एरिया में यह भयानक हादसा हुआ, जिसमें 7 दिनों के अंदर एक बड़ा सा शिप बीचों बीच टूट गया और कंटेनर से सारा तेल निकल गया, और इसकी वजह से भारी नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन जब अच्छे से जांच पड़ताल की गई तो इस बात का पता चला कि इसमें सबसे बड़ी मिस्टेक शिप में मौजूद कैप्टन और सेकंड ऑफिसर की थी। दरअसल मामला ये हुआ कि कैप्टन एंड सेकंड ऑफिसर के कहने पर शिप का जो रूट था वो बदल दिया गया। अब शिप का रूट छोटा करने के चक्कर में ये लोग थे, जिसकी वजह से अचानक ये तूफान में फंस गए। बाद में जब इन्हें लगा कि सब कुछ कंट्रोल से बाहर चला गया है, तब इन्होंने फटाफट लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से मदद ली। अब इस शिप पर जितने इंसान थे उनको तो बचा लिया गया, लेकिन सारे कंटेनर टूट गए और उनमें से ऑयल बाहर आ गया, जिसकी वजह से ये हुआ कि ये 3 माइल्स तक समंदर में फैल गया और भारी नुकसान हुआ, कई सारी मछलियां मारी गईं। अंत में कार्रवाई की गई, लेकिन केस बना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का, और इसके लिए सिर्फ 7-7 महीने की जेल की सजा दी गई कैप्टन एंड सेकंड ऑफिसर को। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा नुकसान हुआ था ये, सिर्फ इसलिए क्योंकि इन्होंने शिप का रूट चेंज कर दिया था। नंबर थ्री, एप्पल थर्ड फाउंडर। दोस्तों एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉजनियाक का नाम कौन नहीं जानता। उनकी टेक कंपनी प्रसिद्धि के मामले में आसमान छू रही है, लेकिन क्या आप जानते हैं एप्पल कंपनी के एक और संस्थापक थे? इनका नाम था रॉन वैन। आज भी अगर रॉन वैन कंपनी के साथ होते तो एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉजनियाक को रॉन वैन के साथ अपनी सफलता को साझा करना पड़ता। पर रॉन वैन ने 1976 में अपनी इक्विटी एप्पल कंपनी से बेच दी थी। जब रॉन वैन ने अपना शेयर बेचा तो उस समय उसकी कीमत $800 थी, जो कि आज के दिन तकरीबन $35 बिलियन की है। तभी तो एक कहावत बहुत मशहूर है कि जिंदगी में संयम बनाकर रखना चाहिए। हालांकि रॉन वैन का कहना है कि उन्हें कोई तकलीफ नहीं हुई ये जानकर कि आज एप्पल कंपनी कहां से कहां पहुंच गई है। आज भी इनका कहना था कि इन्होंने जो फैसला लिया था वो इसलिए ठीक था क्योंकि शायद ये अपना बेस्ट नहीं दे पाते एप्पल कंपनी को, क्योंकि इनका मन ही नहीं था आगे काम करने का। लेकिन आज ये खुश है, ये भी अच्छी बात है। इंसान का खुश रहना ज्यादा बड़ी बात होती है। नंबर फोर, मार्स क्लाइमेट ऑर्बिटर लॉस्ट। दोस्तों मैं आपको एक ऐसी फोटो दिखाता हूँ जिसको देखने के बाद आप चौंक जाएंगे। 200 सितंबर 1999 में नासा का ऑर्बिटर मंगल ग्रह पर चल गया, जिसकी वजह से नासा को भारी नुकसान सहना पड़ा। लगभग 10 महीनों की यात्रा के बाद ऑर्बिटर मंगल ग्रह पर तो पहुंच गया, लेकिन वहां पर जल गया और टुकड़ों में टूट गया। जिस दिन नासा के इंजीनियर जश्न मनाने की उम्मीद कर रहे थे, जमीनी हकीकत पूरी तरह से अलग थी। पर नासा को इतनी बड़ी विफलता कैसे मिली? दरअसल देखिए, गलतियां हुई थी इंजीनियर से।
लेकिन इसकी वजह से नासा को $327.6 मिलियन का नुकसान उठाना पड़ा था। दोस्तों कई बार हम अपनी गलती से सीखते हैं। वाकई में जो ये घटना हुई थी उसको देखकर नासा के कई वैज्ञानिक भी टूट गए थे, लेकिन फिर से दोबारा इन्होंने वापसी की और क्या शानदार वापसी की। नासा ने इस घटना के बाद कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस घटना से हमें भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीख मिलती है ना दोस्तों, तो सीखना कभी ना छोड़ें। नंबर 5, लॉटरी टिकट। दोस्तों क्या आप सोच सकते हैं आपको 10 अरब से ज्यादा की लॉटरी लगी हो और आपने लॉटरी की टिकट कहीं खो दी हो? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना भाई, 10 अरब से ज्यादा की लॉटरी लगी और लॉटरी की टिकट कहीं खो गई। ये घटना इंग्लैंड के शहर लिवरपूल की है। पति पत्नी अक्सर लॉटरी में पैसे लगाया करते थे इस उम्मीद से कि शायद एक दिन हो सकता है इनकी लॉटरी लग जाए, यू नो किस्मत चमक जाए। और लॉटरी लगी भी, पर कहते हैं ना अगर आपकी किस्मत साथ नहीं है तो बॉस आपके हाथ में आई हुई चीजें भी निकल जाती हैं। यही हुआ इंग्लैंड के इस कपल के साथ। गलती से पति ने लगी हुई लॉटरी के टिकट को कहीं खो दिया। बाद में पता चला कि उनकी किस्मत में 10 अरब की लॉटरी लगी थी। इमेजिन कीजिए पति पत्नी के बीच में इस घटना के बाद कितनी लड़ाई हुई होगी। वाकई में इसके बाद उनका जीवन बदल जाता। नंबर 6, दोस्तों एक बहुत ही पुरानी वेबसाइट है जिसका नाम है excite.com। हो सकता है शायद आपने इसके बारे में सुना हो, लेकिन अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो भाई मैं आपको बता दूं, ये एक टेक्नोलॉजी कंपनी थी। जब याहू इस दुनिया में सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला सर्च इंजन था, तब एक्साइट सेकंड नंबर पर था। उसी वक्त इस कंपनी के पास गूगल को खरीदने का ऑफर आया था। आपको सुनकर अफसोस जरूर होगा, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। और ये डील सिर्फ और सिर्फ 48 करोड़ रुपए की थी। लेकिन उस वक्त एक्साइट के CEO जॉर्ज बोल ने गूगल को खरीदने से मना कर दिया। और मिस्टर बोल की सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि जो कंपनी उस वक्त 48 करोड़ रुपए में मिल रही थी, आज उस कंपनी की कीमत करीब करीब 32 लाख करोड़ रुपए हो चुकी है। आप सोच सकते हैं शायद ये पैसों के मामले में अब तक की सबसे बड़ी भूल होगी। सोचिए अगर आज उनके पास गूगल कंपनी होती तो उनका कद क्या होता। लेकिन कहते हैं ना कई बार चीजें वैसी नहीं होती जैसा कि हम सोचते हैं। उन्हें भी लगा होगा जिसकी वजह से उन्होंने गूगल को कौड़ियों के भाव में खरीदने से मना कर दिया था, आज वो क्या से क्या हो चुकी है। दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में मेरे संग एंड तक, क्योंकि आगे और भी खास चीजें आपके लिए आने वाली हैं। अभी आप मुझे बताइए कहां से वीडियो देख रहे हैं, किस शहर से, किस गांव से, किस देश से, जरा कमेंट कीजिए। और जानिए एक और बड़ी भूल के बारे में। नंबर 7, दोस्तों मैं आपको बताता हूं एक ऐसी कंपनी की कहानी जिसको सुनने के बाद आपको समझ में नहीं आएगा कि कई बार ओवर कॉन्फिडेंस आपके लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी, ऑटोमोबाइल कंपनी फोर्ड ने अपना सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है फोर्ड एडसर। इस कंपनी की तरफ से ऐसा दावा किया गया है कि जो कार है ये लोगों की लाइफ बदल कर रख देगी। ये कार आज तक की सबसे शानदार कार होने जा रही है। फोर्ड कंपनी ने इस कार के मार्केटिंग में खूब पैसे भी लगा दिए। मार्केट में लॉन्च होने से पहले कंपनी ने तहलका मचा दिया। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी दुर्घटना तब हुई जब कार को लॉन्च किया गया तो पता चला यार ये तो बिल्कुल फर्जी कार है। जी हां, कस्टमर्स का रिव्यू बहुत ही खराब आया, लोग बहुत ही नाराज थे। कई लोगों का मानना था कि इससे घटिया कार फोर्ड कंपनी कभी नहीं बना सकती। आप समझिए कि 100 मिलियन रुपए खर्च हुए थे इसके प्रोडक्शन पर, लेकिन दोस्तों कुछ भी प्रॉफिट नहीं हुआ। और इसकी वजह बिल्कुल साफ थी कि इस कंपनी ने कार लॉन्च से पहले किसी से भी कोई फीडबैक नहीं लिया, जिसकी वजह से भारी नुकसान उनको एंड में उठाना पड़ गया। वैसे ये तो होना ही था। जब आप अपने कस्टमर्स को पागल समझने लगते हैं ना, आप सोचते हैं कि यार मैं कुछ भी बेच दूंगा वो बिक जाएगा, तब ऐसी ही नौबत आती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आप कुछ भी प्रोडक्शन शुरू करने से पहले मार्केट रिसर्च कर लीजिए और फीडबैक जरूर लीजिए। फीडबैक से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। नंबर 8, अब मैं आपको बता दूं 1867 में रशिया के राजा अलेक्जेंडर द्वितीय अलास्का को सिर्फ बर्फ से भरी हुई जगह समझकर अमेरिका को 50 करोड़ रुपए में बेच दिया था। और बाद में अमेरिका को वहाँ बहुत सारी कीमती धातु मिले जिसमें सोना भी शामिल था। इसके अलावा बहुत सारे खनिज पदार्थ मिले। इसकी वजह से आज अलास्का की कीमत 3 लाख करोड़ रुपए है। क्या आप सोच सकते हैं इतने बड़े लेवल पर इस तरह की घटनाएं होती हैं? क्या रूस के राजा ने कभी ये सोचा होगा, जिस जमीन पर सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है उसके नीचे बहुत कुछ है। अगर वो चेक करते तो उनकी किस्मत और बदलती। लेकिन वो कहते हैं ना, जब आपने मन बना ही लिया है कि यार कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, ये जमीन बेकार है, तो बॉस नुकसान तो होता ही है ऐसे में। नंबर 9, अब मैं आपको दिखाता हूँ 14 अप्रैल की वो घटना जो 1912 की है, जब टाइटैनिक जहाज पूरी तरह से पानी में डूब गया। जी हाँ दोस्तों, ना जाने कितने करोड़ों रुपए में बनाया गया था ये जहाज। ये दुनिया की शान था। कहा जा रहा था कि आज तक ऐसा शिप कभी नहीं बना और ना ही कभी बन सकता है। लेकिन 14 अप्रैल 1912 को जो हुआ शायद ही इसे कोई भूल सकता है। इस हादसे में 1700 से लेके 1900 के बीच लोग मारे गए। पैसों की बात तो छोड़ दीजिए, क्योंकि ये इतना बड़ा नुकसान था कि कोई झेल नहीं सकता था। कहते हैं आज भी इस नुकसान की भरपाई नहीं हो पाई है और कोई कर भी नहीं सकता। ये इतिहास की सबसे बड़ी नुकसान वाली घटना थी जो आज भी दिलों को झकझोर देती है। नंबर 10, दोस्तों आपको दिखाते हैं एक ऐसी तस्वीर जिसको देखने के बाद आपके पैरों तले भाई साहब जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ, आपको यकीन नहीं होगा लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि चीन में कई बार बिल्डिंग बनाने के लिए वर्कर्स और कंस्ट्रक्शन कंपनी बहुत बार जल्दबाजी कर देती है। जी हाँ, इसका मेन कारण यह कि कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा घर बनाओ और पेल के पैसा कमाओ।
आपको यकीन नहीं होगा, ये देखिए ये चीन की फोटो है। यहाँ पे इंसान पैसा कमाने के लिए, मतलब क्या क्या किया जा रहा है दोस्तों। इंसान एक एक पैसे जोड़कर जिंदगी कमाई लगा के लोन शोन लेके अपने सपनों का घर बनाता है। लेकिन दोस्तों ये घर तो बनकर टूट भी गया। जरा सोचिए, अगर बिल्डिंग दूसरी तरफ गिर जाती तो और भी घरों को भारी नुकसान हो सकता था, जान माल का सब तरीके से। भाइयों, जिन लोगों ने ऑलरेडी इस घर में रहने के लिए पैसे दिए थे वो सब रो रहे थे, क्योंकि कंपनी का ऐसा कहना था ये सब कुछ बगल में नदी की वजह से हुआ है। ये वाकई में घटना बहुत पेनफुल थी। 1300 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था इस घटना में। नंबर 11, जापान स्टॉक एक्सचेंज बिग मिस्टेक। दोस्तों एक घटना है 2005 की, जब एक जापानी स्टॉक ब्रोकर ने जेकॉम कंपनी के शेयर की कीमत 6,10,000 शेयर्स के लिए 1 येन निर्धारित की। समस्या ये थी कि स्टॉक ब्रोकर को एक शेयर के लिए 6,10,000 येन निर्धारित करना चाहिए था। उस गलती की कीमत जेकॉम को बहुत महंगी पड़ी। अंदाजा लगाइए कितनी कीमत चुकाई होगी जेकॉम कंपनी ने। आपको बता दूं, 27 बिलियन येन, या फिर कह सकते हैं कि लगभग 236 मिलियन डॉलर्स, जो कि उनके पिछले कुछ सालों की आय के बराबर थी। अच्छा देखिए, इस मिस्टेक से हमें एक बात समझ में आती है, काम चाहे कितना भी छोटा क्यों ना, आप जब भी उसे करें तो पेपर वर्क पर आपको कभी भी चांस नहीं लेना चाहिए। दोस्तों यहाँ कम्युनिकेशन में इतनी ज्यादा बड़ी भूल हो गई जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमारी वीडियो कैसी लगी, आप अपनी राय देना चाहते हैं कमेंट करके तो बिल्कुल दे सकते हैं, आपका इंतजार रहेगा मुझे। प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के संग, फैमिली के संग। एंड अगर आपको ऐसी और वीडियोस देखनी है तो जल्दी से एक छोटा सा काम कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। चलिए मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर मेरे चैनल।